हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रूपा और आज है 25 दिसंबर। तो मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग जाएंगे घूमने करने के लिए इधर ही नंदी हिल्स पे और आप लोगों को भी साथ में लेके जाएंगे। और मैं ये मेकअप लुक क्रिएट करी हूँ बस 10 मिनट के अंदर और उसका वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, जाके चेक कर सकते हो अगर आप लोगों को पसंद आए हैं तो। और अभी जाऊंगी, अभी शाम के टाइम में आज हम लोग जा रही हूँ नंदी हिल्स। नंदी हिल्स तो सब लोग जाते हैं सुबह में, हम लोग एक बार सुबह में जा चुकी हूँ तो आज जाऊंगी शाम के टाइम। शाम के टाइम सनसेट भी बहुत ही सुंदर लगते हैं, तो चलिए देखते हैं सनसेट का व्यू। क्योंकि सनराइज का व्यू मेरे को पता है, मैं आज सनसेट देखने के लिए जा रही हूँ, तो चलिए हमारे साथ निकलती हूँ। तो आज है क्रिसमस, इसके लिए दोनों ही रेड पहनी हुई हूँ, लेकिन उधर जाके ठंड अगर बढ़ जाएगी तो चेंज भी कर सकती हूँ, लेकिन अभी घर से निकल रही हूँ रेड पहन के, देखिए। तो चलिए निकलते हैं। पहुंच गई हूँ नंदी हिल्स और जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि हिल एरिया थोड़ा बहुत ऊपर में रहते हैं। चलिए जाते हैं, इधर आके दिल बहुत खुश हो जाते हैं। और अगर आप लोग बेंगलोर में रहते हो तो इधर आ सकते हो, क्योंकि बहुत ही पास में है और बहुत ही सुंदर नज़ारा है, देखिए।
दिसंबर का दिन घूमनी तो बनते ही है, और अगर इतने पास में नंदी हिल्स है तो इधर ही आना चाहिए। बहुत ही सुंदर नज़ारा है और शाम के टाइम भी बहुत ही सुंदर है। फर्स्ट टाइम तो आई थी सुबह के टाइम, लेकिन शाम के टाइम और भी अच्छा है, ठंड थोड़ा कम है। बेंगलोर में तो ऐसे ही ठंड बहुत कम है, इधर आने के बाद भी ऐसा ही सेम ही है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो मेरे को नहीं लग रहे है। अगर एक दिन का छुट्टी है या फिर वीकेंड्स में थोड़ा बहुत चिल करना चाहते हो, क्योंकि पूरा हफ्ते का वो प्रेशर में लाइफ पूरा हिल हो जाते हैं, तो उस टाइम में अगर थोड़ा बहुत चिलिंग करना है तो आसपास में अगर रहते हो तो नंदी हिल्स आ सकते हो। ये जगह बहुत ही सुंदर है। मैं ये सेकेंड टाइम आ रही हूँ, मैं और भी आऊँगी, ये सच है, क्योंकि लगते हैं ऐसा ही पूरा के पूरा ठंडा और हिली एरिया बहुत पसंद आते हैं। देखिए कितना ज़्यादा क्राउड है, आज तो 25 दिसंबर है, बहुत सारे लोग बहुत सारे जगह में गए हैं, लेकिन जैसे आज है वेडनेसडे और इसके बाद तो फिर से वो लाइफ रूटीन स्टार्ट, तो इसके लिए आप लोग आ सकते हो। अगर थोड़ा बहुत छुट्टी एंजॉय करना है तो आइए एक बार।
सनसेट का व्यू तो बहुत सुंदर है, लेकिन ऐसे घूमते घूमते जब भूख लग जाएगी कुछ खाने का टाइम, थोड़ा सा होशियारी रखिए क्योंकि इधर में बंदर का बहुत भीड़ है। हाँ, लोग का क्राउड है, उसके साथ साथ ये भी है। जैसे हम लोग कुछ ही देर पहले एक लेस का पैकेट ओपन किया था और वो लोग आके हमला कर दिया, तो थोड़ा बहुत संभल के। ये एक और हिल एरिया है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि शू पहन के आ जाइए, नहीं तो अगर मेरी तरह है जैसे हर टाइम मैं गिरती रहती हूँ तो गिर सकते हो। और ये देखिए, मुँह हिला के क्या बोलना चाहते हो बोलो। कुछ नहीं, कुछ नहीं, मुँह हिला के रहोगे। अच्छा, ये शाम के टाइम, और देखिए ये बादल ने पूरा के पूरा छा लिया है, तो इसके कारण शाम से रात थोड़ा जल्दी होने वाले है। क्या करूँ, और एक साइड है लेकिन आज उस साइड में नहीं जाऊँगी, बस ये इस साइड ही घूम के घर चली जाऊँगी, क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा है और रास्ते में भी जैम बहुत ज़्यादा था, तो उसी के हिसाब से आज अभी ऐसे ही घूम के घर चली जाऊँगी और एक दिन आऊँगी सुबह के टाइम। हाँ, सुबह के टाइम मेरे को बहुत पसंद आए हैं। आज तो मेरे हस्बैंड ने ही मेरे को बोला था कि शाम के व्यू भी बहुत अच्छा है, चलिए, लेकिन देखिए बादल ने पूरा के पूरा क्या कर दिया। तो चलिए अभी थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी भी जाने में, मतलब बाइक जिधर पार्क किया उतना तक जाने में 10 मिनट तो लग ही जाएगी। जाते जाते देख लीजिए, मैंने जैसे बता ही दिया कि गिरने का चांसेस है, अगर मेरी तरह हो तो शू पहन के आ जाइए। मैं जैसे हाथ पकड़ के चल रही हूँ, नहीं तो गिरने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। हिल एरिया में थोड़ा बहुत रहते हैं लेकिन मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा गिरती हूँ, ये भी एक बात है। 2-3 घंटे के लिए अगर सिटी से बाहर कहीं पर चिल करना है तो आ जाइए इधर। जैसे आज हम लोग बहुत कम टाइम रुकी, लेकिन हाँ थोड़ा फ्रेश फीलिंग्स आ जाते हैं, देख लीजिए। और अभी पूरा रात होने वाले है, जैसे आप लोगों को दिख रहे हैं, जैसे कैमरे में दिख रहे हैं ऐसा नहीं है, हम लोगों को आसपास में लग रहे हैं क्योंकि अंधकार हो गए है। चलिए जाते हैं, निकलते हैं। बोलिए सर, अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पता पता यूट्यूब पे क्या है? अच्छा देख रहे हैं, देखने दीजिए, मैं घूम रही हूँ ऐसे ही, क्योंकि जाने का टाइम भी आप लोगों को लगेगी कि ये साइड से या ये साइड से, बहुत सारा रोड सेम तरीके से है तो समझ में कम आते हैं। हाँ, एक बार आ चुकी हूँ लेकिन फिर भी लगते हैं ऐसा। देखिए व्यू बहुत सुंदर है, सेल्फी लेने के लिए तो बहुत सुंदर जगह है, मैं भी ले लेती हूँ।
अभी जाऊंगी घर। हाँ, घर जाने के टाइम रास्ते में क्या होंगे इसका कोई पता नहीं है, लेकिन अभी तो जा रही हूँ घर। देखिए, अभी फिर से कोट पहन लिया क्योंकि रास्ते में बाइक से अगर आ रहे हो तो एक जैकेट चाहिए, नहीं तो ठंड लग सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा केयर ज़्यादा ले लिया और ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं इसलिए मैं कैरी करती हूँ। तो चलिए जाते हैं घर।
घर और आने का टाइम रास्ते में एक चर्च में गई थी, क्योंकि आज है 25 दिसंबर, तो आज के दिन चर्च में जाना ये मस्ट है। तो उधर भी गई थी और उधर थोड़ा बहुत शूट कर लिया, उसके बाद आ गई हूँ घर। अभी बज रहे हैं रात के 8, बहुत लेट नहीं, बस थोड़ा बहुत है। तो अभी मैं इस ब्लॉग को और कंटिन्यू नहीं करूँगी, क्योंकि बस नंदी हिल्स का ब्लॉग ही बनाना चाहती थी, लेकिन आज 25 दिसंबर में है तो चर्च भी बनते हैं। तो यही है मेरी आज की नंदी हिल्स ब्लॉग। अगर अच्छा लगा है लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे जाके ऐसे ही वीडियो रोज़ रोज़ अपने फ़ोन पर देखने के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।